सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सा अननेचुरल लगी। व्हाट इज अननेचुरल? हां, नेचुरल एक्टिंग। नहीं नहीं, एक्टिंग तो परफेक्ट थी ऋतिक रोशन की, पता नहीं लेकिन मुझे उतना नहीं जमी। हाँ, कहीं कहीं बहुत स्लो जा रही थी, कहीं कहीं बहुत अननेचुरल थी। लाइक अभी पटना में बोलते हैं ना तो क्राइम का सेंटर माना जाता है एक्चुअली। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे कुछ बिना एसी के, मतलब थोड़ा सा अननेचुरल लगा मुझे। इंटरवल तक पिक्चर थोड़ी स्लो थी, इंटरवल के बाद अच्छी लगी, मतलब इंटरवल के बाद फिर भी अच्छा पिकअप पकड़ा। थ्री काफ़ी अच्छी फिल्म है, सुपर 30। कहानी अच्छी है, एक हार्ट इमोशंस है, सारी चीज़ें हैं, आपको मतलब सब कुछ मिलेगा। और ऋतिक कितनी शूट कर रहे हैं कैरेक्टर में, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? ऋतिक की एक्टिंग काफ़ी अच्छी, कोई मिल गया याद दिलाती है कि जो करेक्टर है आनंद का वो नेचुरल लग रहा है। ऋतिक की जो आनंद करेक्टर किया है काफ़ी अच्छा करेक्टर, नेचुरल लग रहा है। कहानी एजुकेशन के ऊपर है, पुअर और रिच मतलब दिखाया गया है, पुअर और रिच की फैमिली के एजुकेशन क्रिएटेड के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा है। 3.5 स्टार। ऋतिक कैरेक्टर को काफ़ी सूट कर रहे हैं, उनका ये लुक जो है गी गॉड का, जो उनको कहते हैं गी गॉड बॉलीवुड में, ये कम्प्लीटली मेकओवर किया है उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम लुक के साथ, तो उनके फैंस को डिफरेंट लगेगा लेकिन अच्छा भी लगेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट करना इतने गुड लुकिंग एक्टर का रिस्क होता है करियर में। जो डायलेक्ट जो यूज़ किया है, लैंग्वेज जो है वो, आई थिंक वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऋतिक रोशन ने पकड़ा है और काम किया है। आई एम श्योर कि उनके फैंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे ऋतिक अच्छे लगे। हाँ ठीक है, ही माइट नॉट लुक लाइक द डिक्टो आनंद कुमार, यू नो, जैसे जब सबसे पहले ट्रेलर आया था लोग थोड़े डाउट पे थे, यू नो, एंड ओवर हियर लेट अस नॉट यू नो गेट इन टू द डिटेल्स कि वो कितना बिहारी एक्सेंट ला पाए हैं और कितना देहाती लग रहे हैं एंड ऑल ऑफ दिस, बट आई थिंक ऋतिक हैज गॉट द इमोशनल कोर ऑफ द पर्सन एंड दैट ही हैज एक्सेल्ड इन एंड ही हैज डन वेरी वेल। एंड ऑल्सो अच्छी बात है, जो मूवी के ट्रांजिशंस बहुत स्मूथ हैं एंड पंकज त्रिपाठी जी तो इज आउटस्टैंडिंग। नहीं, लैंग्वेज ठीक है, उतना भी कुछ ठेठ बिहारी नहीं है कि लोग नहीं समझ पाए, एंड इट इज़ क्वाइट मीन्स एंड इट्स अ वेरी मीन्स एंगेजिंग एंड अ वेरी सिंसियरली मेड मूवी, यू नो, इट्स अ गुड जॉब। 3 स्टार्स। फिल्म में बड़ा खुश हुआ, फिल्म देख के स्पेशली ऋतिक जी ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें, काफ़ी टाइम बाद आया और बहुत अच्छा करेक्टर में अपने आप को उन्होंने ढाल दिया अपने आप। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। क्या कमी नजर आई फिल्म में? मुझे कमी कोई नज़र नहीं आई, खाली 15-20 मिनट छोटी हुई फिल्म होती तो और ज़्यादा मज़ा आना था। और एक्टिंग वाइज ऋतिक कितना परफॉर्म कर पाए इस फिल्म में? 100 में से 99%। डायरेक्शन के हिसाब से? डायरेक्शन सुपर। तो कितने स्टार देना चाहेंगे मीडिया पर्सन के तौर पर? 3.5 स्टार। बहुत अच्छी फिल्म थी, आनंद कुमार की जिंदगी पर बनी, हालांकि कुछ अरसे पहले आनंद कुमार पे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती एलिगेशन डाले, अब वो कितना सच है कितना झूठ है इस पे पड़ताल में मैं नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन आनंद कुमार ने जो स्टेप लिया था और जिन लोगों को कामयाब करके आईआईटी स्टूडेंट्स के रूप में गए, और वो भी ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे जिनका कोई माए बाप नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट उनको नहीं लेना चाहता था, वो बहुत सराहनीय है, और उसे किसी भी तरह से अगर पर्दे पर 1% भी दिखाया होता तो बहुत बड़ी बात थी। और इसमें डायरेक्टर की मेहनत तो दिखाई दे रही है, ऋतिक ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अपने कैरेक्टर को जीने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, और ये एक सराहनीय प्रयास है। मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज गुड। और यूनिकनेस ऑफ द मूवी और ऋतिक की एक्टिंग कितनी आपको जस्टिफाई लगती है? ऋतिक ठीक है, ऋतिक जस्टिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो बिहारी नहीं लगते हैं, क्योंकि वो गरीब नहीं लगते हैं, पर मूवी में उन्होंने कमी आने नहीं दिया, इट इज़ रियली नाइस। व्हाट इज लैकिंग इन द फिल्म एज़ सच? देयर इज नथिंग लैकिंग, आई मीन कंटेंट के हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी है, जितना हो सके उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया, इट्स अ गुड मूवी। इट इज डेफिनेटली वर्क इन ऑन द बॉक्स। विकास बहल इज रियली बाउंस बैक, शानदार के मुकाबले उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है।
ये स्टोरी एक ये है कि राजा ही राजा का बच्चा ही राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा और जो राजा है वही बनेगा जो मेहनत करेगा। तो इस फिल्म के जो डायरेक्शन है, यू नो, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है विकास बहल ने। जो उसके सीन्स दिखाए हैं और वो जो माफिया किस तरह उनको मारने आते हैं आनंद कुमार को, कैसे उनके भाई उसको साथ देते हैं, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी, लेकिन एडुकेशन जो देना है वो आपको किस तरह प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाना है और कैसे वो मैथमेटिक्स ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी है कि जब लास्ट में वो किस तरह अपने गुरु को बचाते हैं। तो द फिल्म म्यूजिक तो इसमें कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी जब एक सीन बहुत ही अच्छा है, जब बच्चे लोगों को वो चैलेंज करते हैं उनके गुरु की, उनको वो करना है इंग्लिश ही बोलनी है, तो फिर वो जाके इंग्लिश में किस तरह लोगों को वो करते हैं। फिल्म की जो डायरेक्शन है बहुत अच्छी है और ऋतिक ने जो काम किया है वो ओके है, क्योंकि उन्होंने उसको जो इमिटेट किया है कई बार वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, क्योंकि वो गांव की भाषा और वो उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है, उनके एक्सप्रेशंस में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थी। डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड द फिल्म हम सबको जाके देखना चाहिए, कम से कम हम इंडियंस को जाके देखना चाहिए। मैं इसमें इसको 2.5 मार्क्स दूँगी। फिल्म मुझे अगर मैं कहूँ तो ट्रेलर से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। ग्रीक गॉड को भोजपुरी बोलते देखना ये अपने आप में एक अनूठी चीज़ थी, तो मैं देखना चाहता था कि ऋतिक किस तरह से इसे अंजाम दे पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है और ये कहानी जो है अपने आप में एक प्रभावी कहानी है, तो उसे प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने निभाया है। देखकर काफ़ी अच्छा लगा, मनोरंजन तो हुआ ही, मैंने बहुत कुछ सीखा भी, कई बार मैं इमोशनल भी हुआ, और इस तरह की फिल्में बनने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वही एक चैलेंज था कि ये कैरेक्टर किस तरह से निभाएंगे, कोशिश उन्होंने की है, अच्छे लगे हैं, कई जगह वो और अच्छे हो सकते थे, बट जिस तरह से अब इसी को तो एक्टिंग कहेंगे, अगर ऋतिक हमेशा से वही डांस करते रहेंगे, क्रिश की तरह उड़ते रहेंगे, तो उसमें नयापन क्या है। उन्होंने एक नई चीज़ करने की कोशिश की है, अच्छे से की है। डायरेक्शन पार्ट विकास बहल के डायरेक्शन, हाँ वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगते हैं विकास बहल जैसे, इससे जब आप एक बहुत अच्छा काम कर चुके होते हैं तो फिर एक नया कुछ उससे बेहतर होने की उम्मीद हम करते हैं, उससे बेहतर तो नहीं लगता। क्वीन उन्होंने इससे पहले दिग्दर्शित की है, तो कई जगह मुझे लगा कि सेट बनावटी है, लेकिन अच्छा है, और अच्छा हो सकता था। 3.5। ऋतिक जो है, ऋतिक ने बहुत मतलब कहते हैं ना कि ऋतिक का जो एक कंफर्ट जोन है, एक सुपरस्टार उनको माना जाता है, एक ग्रीक गॉड है, तो जब एक ग्रीक गॉड एक सुपरस्टार अपनी कंफर्ट जोन से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है, ना वो फाइट है, ना वो उनका रूप रंग है, ना वो उनका कद काठ है, ना सिक्स पैक एब है, ना ग्रीक गॉड टाइप है वो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है अपने किरदार के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। तो शुरू में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग ऋतिक को एक पर्टिकुलर इमेज में देखने के आदि हैं, हमें लगता है कि वो एक हीरो है, ग्रीक गॉड है, लेकिन फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है हमको लगता है कि उन्होंने किरदार के साथ में एक कहते हैं ना कि तारतम्यता, हिंदी में एक शब्द होता है तारतम्यता, उसके साथ में एक वो स्थापित कर लिया है। तो ऋतिक ने बहुत बहुत मेहनत की है, पर्दे पे दिखती है वो मेहनत।